हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग करेंगे क्लास सेकेंड हिंदी एनसीईआरटी बुक का पार्ट दो, भालू ने खेली फुटबॉल। तो कल मैंने आप लोगों को इसके शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर करवाए थे, आज मैं आपको इसकी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करवा रही हूँ, ठीक है? ये एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी बच्चों को जरूरी होता है, जब हम पेपर बनाने होते हैं तब भी हमें काम आ जाता है मार्क्स देने के लिए कि इतने मार्क्स का हम ये दे सकते हैं, इतने मार्क्स का दे सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा एक्सरसाइज जरूरी है बच्चों को करवाना, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए, ठीक है? जो सही विकल्प होगा उसके सामने आपको क्या करना है, सही का निशान लगाना है, ठीक है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है, भालू साहब किस समय सैर के लिए निकले थे? तो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो भालू साहब किस समय सैर के लिए निकले थे? ऑप्शन दिया हुआ है, क है रात के समय, ख है सुबह के समय, ग है शाम के समय, घ है दिन के समय। तो भालू साहब सैर पे किस समय निकले थे? सुबह के समय। तो हम उसके सामने क्या करेंगे, टिक लगा देंगे, ठीक है? सेकंड है, शेर का बच्चा किस पेड़ के नीचे सोया हुआ था? जो शेर का बच्चा था वो किस पेड़ के नीचे सोया हुआ था? ऑप्शन है, क अमरूद के, ख आम के, ग जामुन के, घ पीपल के। तो शेर का बच्चा किस पेड़ के नीचे सोया हुआ था? जामुन के पेड़ के नीचे, ठीक है? तो हम लिखेंगे जामुन के सामने टिक करेंगे। थर्ड है, भालू ने शेर के बच्चे को कितनी बार उछाला? तो भालू ने शेर के बच्चे को कितनी बार उछाला था? क है 4 बार, ख है 5 बार, ग है 12 बार और घ है 9 बार। तो कितनी बार उछाला था? 12 बार, ठीक है? तो हम 12 के सामने टिक करेंगे। फोर्थ है, माली ने शेर के बच्चे से क्या मांगा? जब माली आया था, पेड़ की डाल टूट गई थी, तो माली ने क्या मांगा था शेर के बच्चे से? क है अमरूद, ख है जामुन, ग है आम और घ है हरजाना। तो उसने क्या मांगा था? हरजाना मांगा था ना, मुआवजा मांगा था उससे कि जो आपने पेड़ की डाल तोड़ी है उसका हरजाना ला करके दो, ठीक है? तो आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके करेंगे, प्रश्न है, रिक्त स्थान भरे, खाली स्थान भरने हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी भर रखा है, आप इसको अच्छे से करेंगे। क है, यहाँ पे डैश लगा था ना, का मौसम था, तो आपको बताना है किसका मौसम था, सर्दियों का, ठीक है? मैंने यहाँ पे सर्दियों लिखा है, ठीक है? ख है, भालू साहब डैश पर निकले थे, तो यहाँ पर डैश है, खाली आएगा यहाँ पर, तो आपको आंसर फिल करना है, किस पर निकले थे भालू साहब? सैर पर निकले थे, ठीक है? ग है, भालू साहब सैर पर निकल कर डैश रहे थे। तो जब भालू साहब सैर पर निकले थे तो वो क्या कर रहे थे, खुश हो रहे थे या फिर पछता रहे थे? पछता रहे थे ना, तो यहाँ पर आपको लिखना है पछता, ओके? घ है, हड़बड़ी में शेर का बच्चा, हड़बड़ी में शेर का बच्चा क्या हुआ? दहाड़ा, ठीक है? अंग है, शेर के बच्चे को उछलने में डैश आ रहा था, तो शेर के बच्चे को बार बार उछलने में क्या आ रहा था, मजा आ रहा था ना, ठीक है? तो आपको जो मैंने रेड लाइन से, सॉरी रेड पेन से फिल किया है, आपको ये फिल करना है अच्छे से, ओके? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मिला रखा है, आपको क्या करना है, इनको शब्दों के अर्थ से मिलाना है। इधर मैंने शब्द लिखे हुए, जैसे वक्त, आफत, सैर, अक्ल, हर जाना, ठीक है? और इधर लिखा हुआ है मुसीबत, बुद्धि, समय, मुआवजा, घूमना। तो वक्त का मतलब क्या होता है? समय, तो आप समय से मिलाएंगे। आफत का मतलब क्या होता है? मुसीबत, तो आप मुसीबत से मिलाएंगे। सैर, सैर का मतलब क्या होता है? घूमना, तो आप घूमना से मिलाएंगे। अक्ल, अक्ल का मतलब होता है बुद्धि, तो आप बुद्धि से मिलाएंगे। हर जाना, हर जाना का मतलब क्या होता है? मुआवजा, तो आप मुआवजा से मिलाएंगे, ठीक है? तो आपको इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।